प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा, समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में एक बढ़िया वाला अच्छा वाला पार्ट पढ़ेंगे और उस पार्ट का नाम होगा दशमलव से फ्रिक्शन बनाना। दशमलव से फ्रिक्शन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट किया जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं आपके सामने। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, संख्या पद्धति का पार्ट है जिसमें हम आज सीख रहे हैं। हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है वो समझें। दशमलव से भिन्न को बनाना, दशमलव से फ्रिक्शन को चेंज करना बनाना, ये किस प्रकार संभव होता है, आज मैं आपके बिल्कुल डिजिटल पद्धति से और बिल्कुल इजी वे में ये क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार से, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो या सीजीएल लेवल, कोई भी लेवल हो सकता है, और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होता है वो मैं आपको लगा स्लो जीरो लेवल से और हाई लेवल की बात करूंगा। तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, एग्जाम्पल नंबर एक, मैंने बोला 0.2 के ऊपर बार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं आपका थॉट प्रोसेस भी रखूंगा और इसका लेंथी जो प्रोसेस है बेसिक वो भी आपके सामने रखूंगा। अगर मैं बात करूं इसकी कि 0.2 अगर यहां से मैं इसे रख दूं दोबारा से 0.2 के ऊपर बार, तो मैं इसे प्यारे विद्यार्थियों क्या ऐसे नहीं बोल सकता 2 2 इस प्रकार से, यानी जिस अंक या संख्या के ऊपर बार होता है वह बार बार आता है। सर एक लड़का यह पूछना चाहता है, एक बात बताइए आपको क्या पता यह बार बार आता है या नहीं आता है, आखिरकार यह आता है तो यह क्यों आता है, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे ये कहूं सर ये 2/3 है, इसे सॉर्ट आउट करिए बच्चे, तो 3 का भाग आप 2 में लगाओगे, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हो तो 0.6 बार 2 बचा, अब यहां पर 0 आ गया, 3 से फिर 6 बार वही 8 2.06 बार, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा और यहां रिमाइंडर हर बार 2 आता जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो अंक या संख्या आपकी भागफल में जो अंक या संख्या दोबारा आती है वही कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति को दर्शाती है, और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम बार लगाते हैं और आगे का मामला रुक जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो कि बार कैसे आता है और आखिरकार ये फ्रिक्शन से बार कैसे बनता है। लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं, अब ये बार टू फ्रिक्शन बनाना सीख रहे हैं और क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। अब इस पर बात करते हैं, आइए कि माना x बराबर प्यारे विद्यार्थियों 0.0.222 ऐसे रख दिया, ये समीकरण नंबर मैंने एक नाम दे दिया। बच्चे यहां पर एक अंक के ऊपर बार है, तो एक अंक के ऊपर बार होगा तो संख्या को 10 से गुणा, अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो संख्या को 100 से गुणा, अगर 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा, अगर 4 अंक के ऊपर बार है तो 10,000 से गुणा। ये आपको स्टेप बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों जो आपने आज तक कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं विद इन 10 सेकंड के अंदर ऐसा उड़ा दोगे पता ही नहीं लगेगा, कलम से आंसर सेकंडों के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैंने ये कहूं कि दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इधर होगा प्यारे बच्चे 10x, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव एक स्थान चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 2.2 के लगभग, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहां से बोलने वाला हूं कि समीकरण 2 में से एक को, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अच्छा ध्यान रखना LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS घटेगा, 10x में से x गया तो सर 9x आएगा, सर 2.2 में से 0.2 गया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर 2 आएगा, ठीक है। सर यहां x इज इक्वल टू 2/9, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये बात तो होती है किससे, सर बेसिक से, ये बात तो होती है आपकी बेसिक से,
ठीक है। अब देखिए डिजिटल पद्धति बच्चे, जिससे हम चाहते हैं और जो एग्जाम हमसे चाहता है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन का तरीका हमारा देखिए, एक बात बताइए अंक कितने हैं जिनके ऊपर बार लग रहा है। सर एक अंक है, तो याद रखिएगा इसको पहले तो युक्त रखिए, जितने अंक के ऊपर बार होता है ना उतने ही नाइन नीचे लगा दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या प्यारे विद्यार्थियों ये बात आप समझ पा रहे हैं, जितने अंकों के ऊपर बार होता है ना उतने ही नाइन नीचे लगा दीजिए और उतनी ही बार लगाइए जितनी बार यहां पर बार उतने अंकों के ऊपर होता है उतने ही नाइन नीचे आएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, देखिएगा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसी प्रकार से हम बातें करेंगे बेसिक के साथ ताकि आप उस बात को भी समझ सकें, क्या सर हमें जो समझा रहे हैं वह बात हमने कभी बचपन में पढ़ी थी क्या। सर एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू जो है इसमें दिया गया है ये, मैंने बोला कि जीरो पॉइंट, मैंने बोला जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैंने बोला 0.79 के ऊपर बार। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने अंक के ऊपर बार है? सर दो अंक के ऊपर बार है, तो इसको युक्तियों रखिए। ठीक है, दो अंक के ऊपर बार है तो नीचे डबल बारी नाइन लगा दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। प्यारे दोस्तों आंसर यू विल गेट ओनली फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तो मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूं, ये तो आपके माइंड में ऐसे दौड़ेगा जैसे ब्लड दौड़ता है ना सेकंडों के अंदर, ऐसे दौड़ेगा आंसर। एक क्वेश्चन और देखो सर, एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है सर 0.279 के ऊपर बार, बताओ कितने अंकों के ऊपर बार है? सर 3 अंकों के ऊपर बार है। तो प्यारे विद्यार्थियों संख्या युक्तियों रखना, 1, 2, 3 तो नीचे 9 कितनी बारी आएगा? सर 3 बारी आएगा। क्लियर, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा होगा। अब हम स्टेप नंबर 1 पर चल रहे हैं, स्टेप नंबर 2 आएगा, फिर 3rd आएगा, धीरे धीरे लेवल क्रॉस करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं सेक्शन रखूंगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ये सी, ये तीन सेक्शन, तीनों सेक्शनों के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन 0.07 के ऊपर बार, दूसरा सेक्शन 0.39 के ऊपर बार, तीसरा सेक्शन 0.879 के ऊपर बार। प्यारे विद्यार्थियों जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के तीन सेक्शन कर दिए हैं, क्वेश्चन एक कर दिया है। ठीक है, ये बताओ एक अंक के ऊपर बार है तो बताओ क्या एक बारी नाइन आएगा या दो बारी? सर एक ही बार आएगा जब एक अंक के ऊपर बार है तो। आंसर इसमें बताओ बच्चे, सर दो अंक के ऊपर बार है तो यहां पर 3, 9 यू का त्यो और 9 कितनी बार? सर 2 बारी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जब इसका सॉल्यूशन का आंसर परीक्षा में नहीं दिखे तो क्या करेंगे? सर ये कट रहा है किससे? सर ये 3 से कट रहा है 13 बार और ये कट रहा है 33 बार। फाइनल आंसर 13/33। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 0.879 के ऊपर बार है तो आप रखने वाले हो 879 अपॉन कितनी बारी 9 आएगा? सर 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 बारी 9 आएगा और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो जो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चंस रखे हैं? अगर ये बच्चे आपको अच्छा लगा हो तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने आ रहा है।
फाइव नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इससे थोड़ा सा अप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आप लेवल नंबर वन सीख चुके हो। लेवल नंबर टू पर अब हम आते हैं, देखिए कितना आसान वे में चलेगा और कितना आपको अच्छा लगेगा। आइए लेवल नंबर टू का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फाइव। एग्जाम्पल नंबर फाइव के थ्री सेक्शन, एग्जाम्पल नंबर फाइव के भी थ्री सेक्शन। देखिए इन सेक्शनों में इनको पढ़ने से आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाता हूं, क्योंकि एक साथ तीन क्वेश्चन होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला सेक्शन नंबर ए, इसके अंदर दिया 1.2 के ऊपर बार, ठीक है। दूसरा दिया 2.7 के ऊपर बार। सर ये दिया 3.8 के ऊपर बार। ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, जब ये दशमलव से पहले कोई अंक या संख्या आती है तो आप इसे ऐसे ना देखें। प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखें। क्या आप इस कक्षा का ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं? आपको अब क्या दिख रहा है? सर दशमलव टू के ऊपर बार। सर दूसरे क्वेश्चन को ऐसे देखें, सर दशमलव सेवन के ऊपर बार। सर तीसरा क्वेश्चन दशमलव के सर दशमलव एट के ऊपर बार, ठीक है। अब तीनों को आप देख चुके हो तो इसको छुपा के देखो यार, क्या दशमलव टू के ऊपर बार है? तो एक बार जब हटेगा तो बोलो इसे क्या बोलोगे? 2/9 बोलोगे, ठीक है। सर इसका क्या होगा? इसका भी कुछ ना कुछ होगा। अगर ईश्वर ने कुछ दिया है तो उसका यूज हुआ है। दशमलव का पॉजिटिव मार्क बनता है, दशमलव का पॉजिटिव मार्क, और ये जो साइड में अंक या संख्या है वो योग का त्योग। सर अब ये क्या बन चुका है? 9 × 1 करोगे 9 आएगा, और 9 में 2 जोड़ोगे 11/9 फाइनल आंसर होगा। क्या आप 5 सेकंड के अंदर ये आंसर शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको छुपा लो। सर ये क्या दिखेगा? सर एक अंक के ऊपर बार है तो ये 7/9 दिखेगा, और 7/9 दिखा और सवाल का आंसर आया, क्योंकि दशमलव को पॉजिटिव मार्क और ये क्या है सर? 2। क्लियर? सर इसका इसका मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 = 18। 18 और 7 कितना होता है सर? 25 होता है, और अपॉन में क्या हुआ सर? 9। ये आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब आपके दिमाग में आने लग गया होगा, क्योंकि आपको दो क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस करा दी, तो बताइए क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए, टाइम कम काम ज्यादा। प्यारे विद्यार्थियों, 3 का 3 योग का त्यों, दशमलव में पॉजिटिव, और इसको क्या बोलेंगे सर? 8/9। बताइए क्या इनका मल्टीप्लाई होगा? होगा 9 × 3 = 27। 27 और 8 कितना होगा सर? 35 × 9 ये प्रश्न का आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको अब तक यहां से प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्या आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी सेट का देखेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा 6 नंबर पर। देखिए किस प्रकार से होगा। 6 नंबर देखने जा रहे हैं, 6 नंबर बहुत ही अच्छा प्यारा सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। इसके भी 3 सेक्शन होंगे बच्चे, 3 सेक्शन होने जा रहे हैं। देखो 3 सेक्शन का, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी। इसका ए नंबर का सेक्शन का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1.21 के ऊपर बार, सर 2.43 के ऊपर बार, सर यहां पर है 3.71 के ऊपर बार, ठीक है, 3.71 के ऊपर बार, 7/1 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए आप, यहां पर 1 का 1 रहेगा दशमलव को पॉजिटिव मार्क में, ठीक है, ये 21 के ऊपर बार है, तो इसको यू का त्यू रखना,
ये दो अंक के ऊपर बार है तो नीचे नाइन कितनी बारी आएगा, दो बारी आएगा। अगर मैं अब इसे सॉर्ट आउट करूंगा तो सर नाइन का मल्टीप्लाई एक से होगा, सर नाइन नाइनटी नाइन इंटू वन होगा 99, और 99 में अगर वन जोड़ दूं, अगर 99 में वन जोड़ दूं तो सर 100, और 100 में 20 जोड़ दें तो 120 अपॉन 99। लेकिन ऑप्शन में इसका अगर सॉल्यूशन ना हो और अगर ये आंसर नहीं मिले तो इसे काट सकते हो। सर 3 × 12 = 40 बटा कितना सर 33, ये आपका आंसर है। बोलिए क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सर इसको यू का त्यों रखिए, 2 दशमलव का पॉजिटिव मार्क, सर इसे क्या बोलेंगे, सर ये 43, ये कितने अंकों के ऊपर बार है, सर 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे डबल बारी, अगर 2 के ऊपर बार है तो नीचे डबल बार, अगर 3 अंकों के ऊपर बार है तो यहां ट्रिपल बार, और यहां 4 अंकों के ऊपर है तो यहां 4 बार। यहां मल्टीप्लाई करिए 99 का 2 से 198, और 198 में अगर 43 जोड़े तो प्यारे विद्यार्थियों बस 2 ले लो, 2 कम है तो 198 में 2 आ जाएगा 200, और 200 में 41 जोड़ दो, सर 241 अपॉन 99। भाई ऐसा है, आप बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है 99 इंटू 2 करोगे तो आप यही करोगे, सर 198 और फिर इसमें जोड़ोगे सर 43, ऐसे नहीं बच्चे। 198 में 200 बनाने के लिए क्या चाहिए, सर 2 चाहिए, तो यहां 41 रह गया, तो बताओ ये 200 और 41 कर दिया 241। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को मजबूत करिएगा, क्योंकि माइंड का जो थॉट प्रोसेस जितना अच्छा होगा कैलकुलेशन पार्ट उतना ही मजबूत होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, अगर मैं बात करूं इसकी तो इसको बोलेंगे 3 पॉइंट, इसको बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोलेंगे 3.71 को 3 का 3 आएगा, ठीक है, दशमलव को पॉजिटिव मार्क, ये हो गया 71 अपॉन क्या होगा सर 99, क्यों होगा, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बारी 9 आएगा, ठीक है। अब 99 का मल्टीप्लाई किससे होगा, सर 3 से होगा, देखो मजा आएगा गुणा कैसे करते हैं, सर इसको 99 को 90 मानिए, ठीक है, 9 × 3 = 27 270, 270 में 27 जोड़ो, भाई ऐसे तो कर सकते हो, एक बार तो 90 × 3 करो तो यहां से 270 आ गया, एक बार 9 × 3 करो सर 27 आ गया, इनको जोड़ दो 297 आ गया सर। अगर इस प्रकार से आप करने वाले हो, गुणा करने की जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी, यही सोचना 9 × 3 = 27 270, 270 में 9 × 3 = 27 जोड़ दो 297 हो गया, और 297 में अगर 3 जुड़ जाए 300, और इधर कितना हो गया 68, तो 368 अपॉन 99, ये आपका क्या होगा सर आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन का सेक्शन है 6 नंबर, और 6 के 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं जिनको आप 10 सेकंड के अंदर सूट आउट कर रहे हैं। आइए विद्यार्थियों अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा लेवल बदल रहे हैं, और लेवल बदलने के साथ ही आपका काम भी आसान हो रहा है। आपका काम आसान करने के लिए हर लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, और उस एग्जाम को देने से आपको बहुत चीजों का फायदा भी होता है। क्यों फायदा कैसे होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम के अंदर नहीं मिल पाते, वही आपका माइनस पॉइंट हो जाता है। तो आइए 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर के सेक्शन पर। अब 7 नंबर का सेक्शन वही 3 सेक्शन आपके सामने है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसका पहला सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1.29 के ऊपर बार, दूसरा क्वेश्चन है सर 2.37 के ऊपर बार, ठीक है बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है 1.297 के ऊपर बार। बस ध्यान से देखिए,
अब जो बच्चे आपने पिछले क्वेश्चन को पढ़ा था तब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, सर एक अंक के ऊपर बार आ गया तो क्या होगा, एक नहीं हुआ तो क्या होगा, सर दो के ऊपर आ गया तो क्या होगा। अरे होगा कुछ नहीं, जो होगा वही होगा जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपका क्वेश्चन होगा और हमारा यहां से आंसर होगा, बस आप सोचते रहिए और हम आपको जो पुटअप करा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से मिलेगा, संख्याएं बदलेंगी और ढांचा वही रहेगा। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब आपका दशमलव के बाद अगर जितना अंक या संख्या दे रखा है वो पूरा का पूरा अगर बार के नीचे है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब नहीं है तो सोचना है। देखिए ध्यान से देखिए, वन प्लस यहां तक का मामला पिछले क्वेश्चन का, ये एक अंक इससे परे है तो प्यारे विद्यार्थियों इस पूरी संख्या को उठाइए 29, जिसके ऊपर बार नहीं होता, जिसके ऊपर बार नहीं होता, जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं होता उसको बाहर कर देते हैं, तो यानी कि माइनस दो कर देना। जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको बाहर कर दो, किसके ऊपर नहीं सर, दो के ऊपर नहीं है। अब जितने अंक के ऊपर बार है उसका तो नाइन लगाते हैं और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसका शून्य लगाते हैं। मैंने क्या बताया विद्यार्थियों, जिसके ऊपर बार होता है उसका नाइन और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसका शून्य, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। और दशमलव को हम पॉजिटिव मार्क में चेंज करते हैं, ये तीन चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बस फिर तुम इसके विजेता होंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों आइए, अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस यहां 90, यहां 27, सर ये बताइए 90 into 1 होगा, यहां से 27 इसमें जोड़ दो, सर ये 117/90 आएगा। बोलिए यहां तक मामला सही है या नहीं, सर सही है। अब एक लड़का यूं कह रहा है, सर इसका ऑप्शन में आंसर नहीं मिला तो क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों तुम सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूं, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, किससे हो जाएगा बोलो, किससे हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 9 से कितनी बार, सर 13 बार, 9 × 9 = 27 और 9 से 10 बार, फाइनल आंसर 13/10 = आंसर। क्लियर, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो ये 2++, ठीक है, पूरी संख्या को उठाइए सर 37, मैंने अभी क्या समझाया पिछले क्वेश्चन में, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको निकाल दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। अब जिसके ऊपर बार है उसका तो आएगा क्या सर, 9 आएगा, क्या आएगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों ये 2+ 37 में से 3 गया 34/90, अब बताओ आंसर क्या बनेगा, 90 × 2 = 180, 180 में ये जोड़ा तो सर क्या 214 हो गया और 214/90 हो गया, सर ये कट रहा है, सर ये किससे कट रहा है, ये उसी से कट रहा है जिससे आप सोच रहे हो, सर किससे, सर 2 से, कैसे, 2 × 2 = 14 और 2 से 45 बार 107/45 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखिए इसको क्या बोलने जा रहे हैं, सर 1+ दशमलव को प्लस में 1 को 1, पूरी संख्या क्या है सर 297, सर किसके ऊपर बार नहीं है, सर बार नहीं है 2 के ऊपर, इसको बाहर कर दो, ठीक है। सर ये बताइए कितने अंक के ऊपर बार है, सर डबल तो 2 × 9, 1 अंक के ऊपर नहीं है तो 1 0। अब एक लड़का पता है क्या सोच रहा है, सर एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन नहीं बनती क्या कभी कि बीच में बार आ जाए और आगे पीछे कुछ नहीं हो, बेटा ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आगे पीछे कुछ नहीं हो और बीच में बार आ जाए। क्यों, बार कब आता है, बार तभी आता है जब उसकी पुनरावृत्ति होती है, अशांत आवृत्ति होती है। शांत और अशांत का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद निश्चित अंकों में भाग जाएगा वो शांत होता है, अशांत उसे कहते हैं दशमलव के बाद लगातार अंक या संख्या की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो 297 माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 करने पर आएगा
295 अपॉन आएगा 990। अब एक लड़का ये सोचता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, सर क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि एक बार मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूं? और एक थोड़ा सा ज्यादा चतुर विद्यार्थी होता है, वो यही इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता है कि 5 5 25 5 9 45, ठीक है, 5 1 5 5 9 45 5 8 40। वो विद्यार्थी इसको ऐसे देखने लग जाता है, और ऐसे जो देख लेता है ना, वो कम समय के अंदर शॉर्ट आउट करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे आइए, 198 का मल्टीप्लाई एक से 198, इसमें दो ले लो 200 और दो ले लिया तो 57, 257 बटे 198, यू विल गेट आंसर ओनली फॉर 10 सेकेंड। क्या आप इन क्वेश्चनों का आंसर एक सीमित समय के अंदर दे पा रहे हैं या नहीं? अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अगली क्लासेस को इसी प्रकार से कंटिन्यू कर सकते हो। हर कक्षा के अंदर मैंने आपको जो डिजिटल कहीं ना कहीं पद्धति बताई है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसी बुक के अंदर आपको नहीं मिलने वाली। जो चीजें मैंने आपके सामने रखा है अब ये शुरुआत से लेकर के अब तक, वो किसी बुक के अंदर प्रिंट नहीं होगा, मेरे तरीके बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, किस प्रकार से होगा तो थोड़ा सा देखने का आप प्रयास करेंगे, अच्छा लगेगा आपको और तुरंत सॉर्ट आउट भी होगा। अब बात करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लड़के सोच रहे हैं सर ये बताइए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें इंट्रोडक्ट करिए, ताकि हमें पता भी तो लगना चाहिए कि सर एग्जामिनर ये चीजें देता है, एग्जामिनर क्या देता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। देखो सुनो, एग्जामिनर जो देता है उसका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आपके सामने है, वो ये ए नंबर और ये उसका बी नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, पहला एग्जाम का क्वेश्चन ये है, 1.2 के ऊपर बार प्लस 2.7 के ऊपर बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये अब की बार या आगामी दौर में ग्रुप डी जैसे लेवल की परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, आगे आइए। अगर बात करूं अगली परीक्षा की 2.8 के ऊपर बार प्लस 3.5 के ऊपर बार, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे, जहां से सोचना नहीं हो पाता कि मैं क्या करूं। अब प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा और आप करने का प्रयास करेंगे, सर इसको तो मैं बहुत आसान कर दूंगा, सर मैं तो यूं कर दूंगा कि सर इसको 2/9 कर दूंगा, सर इसको 2+7/9 कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, जितना समय तुम लगाओगे उससे ऐसे बिल्कुल डिजिटल तरीके से आंसर आने लगेगा। देखो, नहीं मानो तो एक बार देखो, आपका जो तमन्ना है उसी पर मैं काम कर रहा हूं। विद्यार्थियों, जिसके ऊपर दशमलव नहीं है, दशमलव से पहले वाली संख्या, 2 और 1 कितना हुआ सर? 3 हुआ। क्या आप ये बात समझे? बिल्कुल सही है सर। जिसके ऊपर बार लग रहा है उनको जोड़ो, 7 और 2 कितना हुआ सर? 9 हुआ। क्या दोनों के ऊपर एक एक बारी बार है? सर एक बार है, 1 बार 9 करो, 9 से 9 1 बार, 3 और 1 कितना? सर 4। बोलो आप आंसर कितने सेकंड में ला रहे हो? आपको पता भी नहीं लगेगा। जो तरीके मैंने सिखाए हैं ना, उनको भी मैंने यहां बिल्कुल खत्म कर दिया और आपको वो तरीके पे ले आया जहां से क्वेश्चन विद इन 3 सेकंड, क्वेश्चन बड़ा हो गया है लेकिन उसका उतना ही समय शॉर्ट कर दिया है। क्लियर? आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर ये बताओ, क्या हम जो तरीका सीखे हैं क्या उसका भी आंसर ऐसे ही आएगा? देखो, आपके तरीके से भी बात करते हैं, 1+2/9, ठीक है, प्लस सर 2+7/9, ठीक है। ये बताइए प्यारे विद्यार्थियों, 1 और 2 को जोड़िए, सर ये तो 3 हो गया। बिल्कुल सही है। इन दोनों का क्या ये हर सेम है क्या? सर 9 सेम है, तो ऊपर वालों को जोड़ दो। 7 और 2 कितना? सर 9/9। कट 1, 3 और 1 कितना? सर 4। पता है गलती क्या होती है एग्जाम में? सर 9 से 9 ये लो, यहां 0 आ गया और उत्तर यू विल गेट 3। बिल्कुल 100% गलत। क्या होगा? ये 9 से 9 खत्म नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, ये एक बार जाता है और 3 में 1 जोड़ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से है। अगर आप तरीके से करते हो तो 1 प्लस
टू अपॉन नाइन प्लस टू प्लस एट अपॉन नाइन प्लस थ्री प्लस सर फाइव अपॉन नाइन। ठीक है बच्चे ये बताइए वन टू और थ्री, वन टू थ्री को जोड़िए तो कितना आता है सर सिक्स आता है। वन टू और ये थ्री इन तीनों को जोड़ो, क्या तीनों के नीचे नाइन है क्या है? अगर हर समान हो तो ऊपर वालों को सीधा जोड़ दो, आठ और पांच तेरह और दो कितना हो गया सर पंद्रह, पंद्रह बटा कितना हो गया सर नौ, तीन से पांच बार तीन से तीन बार, बताइए प्यारे विद्यार्थियों छह ती अठारह, अठारह और पांच कितना सर तेईस बटे तीन, इसे आगे क्या बोल सकते हैं तीन सात इक्कीस, बच गया कितना दो, तीन छह अठारह, फाइनल आंसर इज इक्वल टू 7.6। सर इसको शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते क्या? अभी जो तरीका आपने यहां बताया क्या वो तरीके इसमें लागू नहीं है? क्यों नहीं है भाई, सब तरीके लागू हैं। देखो वन टू थ्री तो थ्री थ्री सिक्स प्लस सर फाइव एट थर्टीन और दो फिफ्टीन, ये फिफ्टीन हो चुका है और सब एक अंक के ऊपर वार है सर नाइन। क्या हमने ये किया है या नहीं किया है बोलिए भाई, क्वेश्चन का आंसर बड़े मजे से आता है यार। अरे मैं आपको कह रहा हूं रात के 12 बजे भी नींद में अगर कलम चलाओगे ना गणित के लिए तो एकदम सटीक कलम चलेगी, लेकिन उस वक्त के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस आपको मैथ का विजेता बनाती है, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन अगला आपके सामने देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब लड़के पता है क्या सोच रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो वही मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, क्योंकि जो तुम्हारी सोच है ना वो कई बार मुझे ऐसी नजर आती है बहुत अरावली से भी ऊंची चली जाती है, और इतनी ऊंचाई की सोच विद्यार्थी सोच लेता है और जब उसका रिजल्ट निकलता है तो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि उसका थॉट जहां होना चाहिए वहां नहीं हो पाता। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं आपके सामने नाइन नंबर का क्वेश्चन लेके आऊं तो नाइन नंबर का क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, नाइन नंबर देखो इसमें इस प्रकार से 1.23 के ऊपर बार प्लस 2.7 के ऊपर बार, सर यहां है 3.87 के ऊपर बार, इक्वल टू क्या होगा? अब एक लड़का ये सोच रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, मास्टर जी ने यो बताया था यो कर देना और यो कर देना, सर ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? 87, 7 और 23 क्या ये दो अंक के ऊपर बार है? है। यहां एक के ऊपर बार है, यहां दो के ऊपर बार है, अगर इन तीनों में बार सेम होता दो दो अंकों के ऊपर तो वो तरीका यूज करते जो अभी पिछले सवाल में किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों? तरीका बिल्कुल बेसिक होगा, और बेसिक क्या होगा तो आप ध्यान से समझेंगे, आपको मैं समझाता हूं। ये तो तीनों जोड़ दीजिए, तीन और तीन छह हो गया, प्लस इसको बोलिए सर 23 अपॉन 99, सर इसे बोलिए 7 अपॉन 9, सर इसे बोलिए 87 अपॉन 99। इन दोनों को तो जोड़ सकते हो ना, इनके नीचे तो सेम है। अगर इनके नीचे सेम है तो आप ये बताइए 6 तो यू का तो लिखा जाएगा, ठीक है सर 87 और इसको जोड़ता हूं 80 और 200 110, 110 अपॉन 99, ठीक है पॉजिटिव मार्क, ये सर क्या है 7 अपॉन 9। यहां तक का मामला क्लियर है? अगर ये मामला क्लियर है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? देखो विद्यार्थियों हमारे पास कई तरीके ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शन को जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है। यहां से हमने फ्रिक्शन को जोड़ दिया, जब मैं फ्रिक्शन पार्ट कराऊंगा तो आपको मल्टीप्लाई एडिशन और नेगेटिव ये सारे पॉइंटेड पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं फ्रिक्शन बनाना सिखा रहा हूं कि फ्रिक्शन बनाते कैसे, ठीक है। अब इसको यहां एडिशन करेंगे तो एडिशन करने के लिए आप एक काम करें, इनका एलसीएम ले लो, ये 99 हो गया, 1 से 99 बार 9 6 54 और 5 कितना 59 प्लस 110 प्लस 11 77 77, और यू विल गेट आंसर। ये सबको जोड़ दीजिए, सर जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका भी बिल्कुल आसान होना चाहिए, वो बचपन वाली बातें ऐसे मत किया करो यार, ये बार बार ही ऐसा दिमाग खराब करता है, यू जोड़ते हो तुम लोग, ऐसे नहीं जोड़ते, थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है थॉट प्रोसेस को मजबूत करिएगा, क्योंकि इस माइंड का कोई यूज नहीं है। बच्चे 7 0 और 4 तो या 11 पावर लगी एक, ये 8 9 18 पावर लगी एक, 2 और 5 7 सर 7 8 1 और 99, इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ा करते हैं।
क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे प्यारे विद्यार्थियों? चाहे ये परीक्षा आपकी सीजीएल हो, चाहे ये 10+2 लेवल हो या फिर मैट्रिक लेवल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, इत्यादि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ऐसे दिखने लग गए हैं। तो इन क्वेश्चनों के निर्माण के लिए आपको इस कक्षा को आगे से देखना होगा, तब इस स्टेप पर पहुंच पाओगे। आज के लिए इतना ही इस कक्षा में, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।